क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल शहरों में बाढ़ की खबरें इतनी अधिक आम क्यों हो गई हैं? अभी हम कभी भी खबरों को देखें या सुने तो हर जगह में बाढ़ की खबर सुनने को मिलेगी इस मानसून के मौसम में। गांव शहर कोई भी अछूता नहीं है। गांव में पहले आम था बाढ़ का आना, लेकिन अब शहर भी इससे अछूते नहीं है। पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे दिल्ली जैसा शहर है तो थोड़ी सी बारिश होती है, सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जाम लग जाता है, प्रलय ही आ जाती है। तो इसके कारण ये हैं कि कुछ दो तीन कारण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ड्रेनेज सिस्टम एक तो हमारा, हमारे शहरों का आज के समय के अनुरूप नहीं है। जितनी जनसंख्या है, जो उनकी जरूरतों का जो दबाव है, उस हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ नहीं है। जो हजारों वर्ष पहले का जो ड्रेनेज सिस्टम है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम पढ़ते हैं, तो उस समय के हिसाब से काफी एडवांस्ड है। लेकिन आज के शहरों का ड्रेनेज सिस्टम उस अनुरूप बना हुआ नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि जो एनक्रोचमेंट है, पॉपुलेशन का दबाव इतना अधिक है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ते हैं। हम वेटलैंड्स को भी अपने यूज में ले लेते हैं, हम नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको भी अपने यूज में ले लेते हैं। कोई भी जो खुला क्षेत्र है उसको हम अपने यूज में ले लेते हैं और उसको कंक्रीट जंगल बना देते हैं, सीमेंटेड हो जाता है। पानी जो बरसता है उसको नीचे जाने का स्थान नहीं मिलता है, परकोलेट होने का स्थान नहीं मिलता है, और इसका परिणाम ये होता है कि वाटर टेबल नीचे चलता चला जाता है। वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होता है, सिर्फ हम यूज करते हैं और उसको रिचार्ज नहीं करते हैं। तो सिर्फ यूज करना और रिचार्ज ना होने देना, ये बड़ी समस्या बनेगी आगे। और तीसरा जो एक प्रमुख कारण है, वृक्षों की कटाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृक्ष जितने अधिक कटेंगे, जो उनकी जड़ें जो कार्य करती हैं मिट्टी और पानी को बांधने का, उनको परकुलेट करने के लिए अवसर देने का, तो वो नहीं होगा तो ये समस्या और बढ़ती चली जाएगी। तो यही कारण है कि शहरों में बाढ़ के आने के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला तो ड्रेनेज सिस्टम का आउटडेटेड होना, और दूसरा जो कंक्रीट जंगल है हर जगह, एनक्रोचमेंट है, और तीसरा जो है वृक्षों की कटाई।